जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सतेंद्र सिंह SS पोल्ट्री टेक के माध्यम से। दोस्तों, मैं पोल्ट्री से संबंधित अपने 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुर्गियों में पाई जाने वाली सबसे कॉमन और भयंकर बीमारी CRD का जिक्र करने वाला हूं। दोस्तों, ये बीमारी होती क्यों है, इसकी पहचान क्या है और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा फार्म CRD नामक बीमारी से हमेशा बच कर रहे। दोस्तों, यदि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आपको इसमें फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, इसलिए आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, मैं CRD का लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ। CRD का सबसे पहला लक्षण होता है कि मुर्गियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मुर्गी खुलकर सांस नहीं ले सकती क्योंकि एक ऐसी बीमारी है वो डायरेक्ट फेफड़े पे अटैक करता है और हमारी जो सांस लेने की क्षमता होती है वो फेफड़े से ही होती है। तो दोस्तों, सांस लेने की समस्या अगर मुर्गियों में दिखने लगी तो समझ जाओ कि मेरे फार्म में CRD प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, यही नहीं, मुर्गियों के आँखों में सूजन, बीट पतला होना, उसके साथ साथ छींक आना, आपने अक्सर देखा होगा कि मुर्गी ऊपर मुंडी करके आसमान की तरफ देखती है, वो सांस नहीं ले पाती और मुंह से सांस लेती है, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो CRD का संकेत करते हैं। दोस्तों, अब मैं इसका उपचार बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, देखिए, सबसे बड़ी कमी हम सबके अंदर ही होती है, हमारे अंदर ही होती है। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं, करते नहीं। दोस्तों, अगर अपने फार्म को CRD से बचाना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने फार्म को साफ सफाई से रखना है, बिल्कुल साफ सफाई, जैसे आप घर में रहते हो वैसे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पानी, जल, अपने मुर्गियों को जल बिल्कुल स्वच्छ देना है। हमेशा पानी का ध्यान रखें, पानी में काई जमा ना हो, कोई कचरा ना हो, क्योंकि सारी बैक्टीरिया पानी से ही चलती है। सबसे मेन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये दो बातें हैं, साफ सफाई और पानी। आपने इस दोनों पे काम कर लिया तो 50% आपने CRD को अपने फार्म से हटा दिया। अब रह गई 50% की बात, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए, अपना चिक्स मंगवाया है, उसी प्रकार आप भी कहीं ना कहीं से अपना चिक्स मंगवाते हैं। सिस्टम एक ही है, फॉलो एक ही तरह से करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आपका चिक्स 6 दिन का हो जाए तो उस चिक्स को IB+ लासोटा वैक्सीन करने हैं। दोस्तों, कहाँ, आँखों में डालने हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि वो वैक्सीन कैसी होती है, उसको मिलाते कैसे हैं और डालते कैसे हैं, क्योंकि यहीं से हम CRD के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं 6 दिन के चिक्स के साथ ही। तो दोस्तों, आपने जाना कि हम 6 दिन के चिक्स को IB+ लासोडा, F1 के नाम से भी जाना जाता है, एक आई ड्रॉप वैक्सीन होता है। दोस्तों, वो वैक्सीन होता कैसा है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वो वैक्सीन, ये 1000 मुर्गी का डोज है। दोस्तों, इसको करते कैसे, मिलाते कैसे हैं, देखिए, ये है डेलूट, ये 1000 मुर्गियों का डेलूट है। दोस्तों, इस डेलूट को इस वैक्सीन में मिला देते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, फिर इसको इसी डेलूट में डाल देते हैं। ये हमारा 1000 बर्ड का वैक्सीन तैयार हो गया। दोस्तों, ध्यान रखना है कि इस वैक्सीन को आँखों में डालने हैं, ना कि टंकी में। लोग अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि टंकी में डाल के जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं, इसीलिए आने वाले समय में मुर्गी भी उनका काम अच्छी तरह से निपटा देती है, ऐसा गलती ना करें। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी ये वैक्सीन बनाएं
तो फ्रिज के बर्फ़ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 1 घंटे की होती है। 1 घंटे से ज़्यादा यदि आपने इसको बाहर रख दिया तो इसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है और ये पानी के समान हो जाता है। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है कि आँखों में ड्रॉप कैसे डालते हैं। दोस्तों, ये CRD के शुरुआती लक्षण और उपचार हैं। आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।